सदा होगा सम्मान, सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान, सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान,
शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव सत्य है, अनादि है, अनंत है, निराकार है, निर्विकार है और निरअहंकार है। ऐसे शिव बाबा की जयंती मनाने के लिए हम सदा ही उत्सुक रहते हैं और रहते रहेंगे। इस धरती पर जब तक चांद सूरज बने रहेंगे, दिन और रात चलते रहेंगे, शिव बाबा का के आगमन की ये वेला हम बड़े ही हर्षोल्लास से हर बार मनाते रहेंगे। आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी हम सबके बीच आई हैं, हम उनका करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आज हॉस्पिटल परिवार बहुत ही खुश है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वरिष्ठ भाई बहनें दादियाँ हम सब के बीच शिव जयंती मनाने के लिए उपस्थित हैं। वैसे तो शिव बाबा के आगमन को 82 वर्ष हो गए हैं और 82वीं शिव जयंती हम ये मना रहे हैं, पर हॉस्पिटल परिवार के लिए ये 26वीं शिव जयंती है जो हम एक साथ मिलकर मना रहे हैं। तो हॉस्पिटल परिवार की ओर से, डॉक्टर प्रताप की ओर से, हम सभी दादियाँ, वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ बहनें, देश विदेश के सभी भाई बहनों का बहुत ही दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। दसों दिशाएं आपका करते स्वागत और सत्कार, दसों दिशाएं आपका करते स्वागत और सत्कार। आप आए महक उठे हैं जैसे गुलो गुलजार, दसों दिशाएं आपका करते स्वागत और सत्कार। आप आए महक उठे हैं जैसे गुलो गुलजार, आनंद में सब झूम रहे हैं आपका पाए प्यार। आप आए महक उठे हैं जैसे गुलो गुलजार, सुहाना मौसम गाए ये सरगम, बड़ा ही प्यारा आज का संगम। दिल से करते आपका अभिवादनम शुभ स्वागतम, दिल से करते आपका अभिवादनम शुभ स्वागतम। पवन में नील गगन में, ओ मस्त पवन में नील गगन में, बाबा का झंडा शिव बाबा का झंडा शाबाश है फहराए, ईशान से है फहराए। शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारिया शिव संदेश सदा सुनाए, ज्ञान अमृत सबको पिलाकर जीवन ज्योति जगाए। ओ मस्त पवन में नील गगन में, बाबा का झंडा शिव बाबा का झंडा
सागर में लहराए, घर घर में लहराए, ग्लोबल में लहराए। निर्मल पावन प्रेम की वर्षा बरसाए ये झंडा, शिव शक्तिया पांडव संग आए लहराए ये झंडा। बाबा है दिल का सहारा, हमने दिल से पुकारा, जो दिल को बहलाए सबको प्यार लुटाए, घर घर में लहराए ग्लोबल। बाबा ने कहा था ग्लोबल होली स्थल बनेगा, सचमुच ऐसे महारथी आएंगे और हम सबको स्नेह प्यार देंगे कि जरूर हुआ ही पड़ा है। होली स्थल बनेगा बाबा का ये वरदान है, आप सभी की दुआओं से होना जग का कल्याण है। आबू निवासी डबल विदेशी, आबू निवासी डबल विदेशी, संग संग मधु मधुवासी निवासी, सबको प्यार लुटाते हरदम साथ निभाते। सहयोगी योगी कहलाते सबका सदा सम्मान करे, निष्ठा और ईमानदारी से पल पल कार्य किया करे। आज तो हमने ठान लिया है करके रहेंगे प्रण किया है, बाबा बाबा सेवा सेवा चाहे कुछ भी हो जाए, धरती में लहराए। ओ मस्त पवन में नील गगन में बाबा का झंडा, शिव बाबा का झंडा शान से है फहराए, सागर से है लहराए, सागर में लहराए, आज ग्लोबल में लहराए, आज ग्लोबल में लहराए। धन्यवाद।
निरंजन भाई और हल्दर भाई, स्वागत की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मिली बहन को, जो उड़ीसा से आई हैं स्वागत नृत्य प्रस्तुत करने के लिए। मिली उड़ीसा से। Thank you.
धन्यवाद मिली बहन। सत्यम शिवम सुंदरम शेबावा की प्रेरणा से आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी और निर्वैर भाई के शुभ संकल्प तथा अन्य सभी के प्रेरणा से ग्लोबल हॉस्पिटल का आज से 26 वर्ष पूर्व निर्माण हुआ। 26 वर्षों में ग्लोबल हॉस्पिटल में माउंट आबू के वासियों का तथा ब्राह्मण भाई बहनों की बहुत सी सेवाएं जो हुई हैं उसके फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि हमारे बीच अन्य कई ऐसे अस्पताल जगह जगह पर बनते जा रहे हैं। तो ये हॉस्पिटल नहीं होली स्थल है जहाँ से सभी को राहत मिलती है और ये प्रमाण है प्यारे बाबा के बच्चों के श्रेष्ठ संकल्प की सिद्धि का। तो मैं आगे बढ़ते हुए डॉक्टर प्रताप को आमंत्रित करती हूँ सभी महानुभावों का वेलकम करने के लिए। डॉक्टर प्रताप। ओम शांति। आज के इस पर्व पर महाशिवरात्रि पर्व को मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी हमारे बीच में हैं, आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, ईशु दादी, आप सभी, हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए और शिवरात्रि की शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में दीदी स्वदेश बहन जी, वेदांती बहन, डॉक्टर बनारसी भाई, चक्रधारी बहन, शीलू बहन, शशि बहन, जयंती बहन और पीछे भी हमारी वरिष्ठ बहनें हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम ये शिव जयंती, जो बाबा का विशेष पर्व है, हम सबको एक सूत्र में बांधने वाला है, विच यूनाइट्स अस ऑल, दिस स्पेशल फेस्टिवल ऑफ शिव जयंती। वी आर ऑनर्ड बाय योर प्रेजेंस एंड वी फील ब्लेस्ड दैट वी आर ऑल हेयर टुगेदर ऑन दिस स्पेशल डे। एज बाबा टुडे ऑल्सो सेड, दिस फैमिली इज वंडरफुल एंड दिस पिलग्रिमेज ऑफ रिमेंबरेंस विच वी हैव टू अंडरटेक, that is the one which gives us unlimited happiness. But we need to understand it so with lot of patience and with an introvert mind so that we are able to capture the whole depth of this Baba's knowledge. And I'm sure this knowledge is our foundation. And with this knowledge, when we share with all the brothers and sisters of the world, we can transform the whole world. We know that it is not an easy task, but the power of mind is great. And today, we all collectively take a thought that this with power of mind will send our vibrations, will send our positive thoughts to all the brothers and sisters of the world, so that on today they receive this message and they also claim their inheritance. So most welcome on this special day when we have gathered today to celebrate this special festival. On behalf of the hospital family, on behalf of the board of trustees, I welcome you all here, and I'm sure we would have a feast of blessings from both the dadis. Thank you very much. आज ही नहीं लेकिन सारे वर्ष भर में हम आप सभी की ब्लेसिंग्स का अनुभव यहाँ रहते हुए करते रहते हैं। सभी को विशेष ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए प्रेरणाएं आती रहती हैं और उनकी ब्लेसिंग्स हम तक पहुँचती रहती हैं। परंतु आज आप सभी ने उपस्थित होकर हम सबको ये जो विशेष ब्लेसिंग देने का कार्य किया है, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ हमारे प्यारे आदरणीय निर्वैर भाई जी को
अपने ब्लेसिंग्स के साथ हॉस्पिटल की सेवाओं को और हॉस्पिटल में सेवारत भाई बहनों को शुभ भावना और शुभकामना से भरपूर करने हेतु। निर्वैर भाई जी। ओम शांति। ऑन द वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि आई कन्वे माई हार्टी ग्रीटिंग्स and best wishes to every one of you, whether you are from Bharat or whether you are from other countries, especially those who are at the dais. I extend very special greetings to them. We have been celebrating Shivratri every year, ever since the hospital was set up here. And every Shivratri time, it has been something new, something beautiful, something great. And this year, as Dr. Pratap shared, we have completed 26 years. So journey of 26 years, that means now the global hospital has reached major age, ready for the next step to adopt or to get married. There are many offers coming from different corners of the world to have some sort of arrangement where there can be exchange program between the hospitals. And some of the hospitals are being offered to Dr. Pratap if he can manage them. They are ready, they have all the equipment, they have the required infrastructure, everything. But they don't have that manpower which can run the hospital efficiently, like global hospital. So it's a great honor for us that people have such high feelings about the global hospital. Today being Mahashivratri, of course, the day is little different. It is pre-Mahashivratri time actually. Shivratri will be celebrated on 12th night or 13th morning, whatever you call it. Therefore, the holiday declared by the Government of India is 13th. But as per the Indian calendar, from midnight of 12th February, it will be official Mahashivratri. Because they are all devotees, and as per the path of bhakti, they celebrate that way. Those who are enlightened, awakened, introduced to the Supreme Being, God Shiva, directly, they have very clear understanding, very clear vision. It's not just on that particular day. And in fact, as per Baba's words, no one knows when he came. And when he started his work, only from the history that on Shivratri day of 1936 was the day when Brahma Baba had the visions of light of Shiva and listened to the words what Shiv Baba spoke
introducing himself and also showing some of the scenes of transformation of the world which Baba saw, and Baba thought that was because of his Guru's blessings. Baba was in Bombay at that time and he couldn't help going to his Guruji, sharing with him that he has been having this kind of vision. So he was very thankful to the Guruji. In reply, Guruji said, "No, it's not my blessings. These are the blessings coming from that Satguru. He is bestowing those visions. He is the bestower. And therefore, that was the pinnacle point when Baba started his new journey of life. He had by then 12 gurus, one after the other, learning new things. But still the search was on, and search would end only when he had found the Supreme Father. So from Shivratri 1936 onwards, the search ended and the new beginning, I should say, in Baba's life, a new beginning for the whole world, because through the medium of Brahma Baba, Shiv Baba revealed that highest knowledge, knowledge about himself, knowledge about the entire cycle, repetition of the cycle, and as per the repetition of the cycle, how this was the most auspicious time of transformation. And for that, Brahma Baba was called upon to become instrumental. And since then, of course, Shivratri was not celebrated the way we are celebrating these days. Brahma Baba, Mamma, Dadi, Didi, they all used to have a different way of celebrating because the family was so small. And so it was very lavishing, entertaining everyone with beautiful tolis, especially butter and apple and butter, almonds and honey. So these, but that I shared yesterday also in the Sindhi halwa. Sindhi halwa. Have you brought it today? Well, the sweets are always there. Without sweets, the ceremony is incomplete. But the best thing is the sweetness of being witness to the transformation of the world. We are the witnesses. We are the most fortunate human souls on earth who have found the one who brings about the change, and we are the ones who receive the inheritance of golden age. It's a beautiful, beautiful celebration today. We honor none else but the Supreme Father himself on his coming on earth, and we receive him on our hearts, on our eyes, on our lips. So very, very happy greetings, very special blessings from the Father to everyone, so that we all enjoy
ever healthy, ever wealthy, and ever happy lives. Sangam Yug, this present confluence age, is the most auspicious age, highest in the entire cycle, and let us become conscious of that. If we are conscious, I think we will reach our own goals. If we don't become conscious, we may be left behind. But I think all of you who are here, you are more conscious than myself. Om Shanti. धन्यवाद निर्भय भाई जी. अब मैं आमंत्रित करती हूँ निर्मला दीदी जी को अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए. दीदी निर्मला. ओम शांति. ग्रीटिंग ऑफ पीस फॉर 82nd शिव जयंती. वी आर लकी दैट बाबा हैज नॉट ओनली अडॉप्टेड अस but he has given double task, the task of helping the world physically, spiritually, mentally, morally, etc. So hospital is doing wonderful job of helping people spiritually, physically, mentally, etc. And the patients who come here really enjoy being here, and the visitors also feel that this is something very, very different hospital. It's not usual hospital. So Baba has helped us to create such a nice atmosphere that patients, visitors, relatives, everybody feel peaceful, and naturally that helps them to recover fast. So Baba's children are doing this wonderful job of not only running this hospital, but as Nirvar Bhai was saying, they are invited to run many other hospitals. Let us see what Pratap Bhai has to say, how much he can manage. So, it's a nice day to celebrate with international family. So let us celebrate it. Om Shanti. Thank you, Nirmala Didi. I request Jayanti Ben to extend her greetings. Om Shanti. This hospital has been aptly named Global Hospital. And even when it started, there were centers on all the different continents of the world, and Baba's children from all over the world were already coming to Madhuban on pilgrimage. And of course, they would be here sometimes just as visitors, sometimes as patients. But today, 26 years later, Baba's work has extended into 120 countries. And so I know that people of all backgrounds come here and make good use of all the facilities offered here, because there isn't another place like this in the world, as far as I know, where there are so many different therapies offered all under one roof. And so many come to benefit from all of this. So on the time of the 82nd Shiv Jayanti, congratulations especially to Nirvay Bhai, Dr. Pratap, all the dadis who have supported this amazing venture, and all the hospital team and staff who have given so much benefit to everyone across the world.
So many, many congratulations to you all, and a big, big thank you from all of us. Thank you. Thank you, Jayanti Ben. अभी अभी निर्वेर भाई जी ने याद दिलाया कि हम सभी ने मिलकर ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर द बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज किया था और उस प्रोजेक्ट के बाद ही हॉस्पिटल ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू नैरोबी का ग्लोबल म्यूजियम और लंदन का ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस का ग्लोबल हाउस का निर्माण हुआ था तो ये बहुत विशेष कार्य बाबा के बच्चों की सेवा और सफलता का प्रतीक स्वरूप हम सब के सामने है और यही दर्शाता है कि जब हम सब मिलकर बाबा की प्रत्यक्षता के कार्य का ये झंडा आगे बढ़ाना चाहे तो अब बहुत देर नहीं है बाबा ने भी समाप्ति और सफलता को साथ साथ जोड़कर हमें इस बात का संदेश दे ही दिया है अब मैं आमंत्रित करती हूँ एक एक मिनट सभी अपनी शुभ भावनाएँ या ब्लेसिंग्स हमें दे चक्रधारी बहन पहले ओम शांति मंचासीन आदरणीय दादी भ्राता जी और सभी उपस्थित बहनें मैं ऐसा कहूँगी कि ये स्थल वो स्थल हैं जहाँ रोगी आते हैं दवा लेने के लिए ठीक होना चाहते हैं दुआ लेकर के ब्लड बैंक खुलते हैं वो हम सुनते रहते हैं लेकिन आज महाशिवरात्रि के पावन उत्सव को मना करके आपने शिव बाबा ने जो ब्राह्मण बच्चों को सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स बनाया है मैं ऐसा समझती हूँ कि आज ब्लेसिंग बैंक खुल गया है यहाँ पर जितनी ब्लेसिंग्स हो सके आप सब देकर जाना ताकि आने वाले सभी पेशेंट्स को दवा के साथ दुआ मिले और ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि हर एक हृदय में झंडे को बुलंद करे भ्राता जी भ्राता निर्वैर जी तथा पूरे परिवार को जो हॉस्पिटल फैमिली है सबको बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक हो ओम शैन धन्यवाद दीदी अब पांडव भवन मधुबन की तरफ से मैं शीलू बहन को एक मिनट ब्लेसिंग्स के लिए आमंत्रित करूंगी मधुबन पांडव भवन की ओर से भी आप सभी भाई बहनों को शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर सारे ग्लोबल हॉस्पिटल परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मुझे याद आता है 26 साल पहले जब इस ग्लोबल हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था दादी जी ने कितना सचमुच दिल का उद्गार उस समय व्यक्त किया था कितनी खुशी हुई थी दादी जी को कि कैसे यह ब्राह्मण परिवार यहाँ से उपचार प्राप्त करके अपना स्वास्थ्य तो ठीक करेगा ही लेकिन साथ साथ अनेक आत्माओं की दुआएं भी प्राप्त करेगा तो हम देख रहे हैं कैसे बाबा के बच्चों की दुआएं इस हॉस्पिटल को मिलती रहती है और दिन दुगनी रात चौगनी गति से इसकी वृद्धि हो रही है और चारों ओर बाबा का संदेश भी इस ग्लोबल हॉस्पिटल के द्वारा मिल रहा है आबू निवासियों को भी कितना सुख मिलता है इस हॉस्पिटल से जिससे बहुत अच्छा वातावरण हॉस्पिटल का भी के कारण आबू का भी बनता जा रहा है और ये सारे प्रकंपन सारे विश्व में भी फैल रहे हैं तो आज के दिन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पांडव भवन मधुबन से भी आप सभी को ओम शांति ओम शांति आज का शिव जयंती का ये दिन हम सभी के लिए बहुत 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 अच्छा है जो हम सब दुनिया में किसको पता नहीं लेकिन हम बच्चे जानते हैं
कि ये हमारा शिव जयंती का दिन बहुत 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 सुंदर है और इसे सेवा भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए आप सभी को यहाँ बुलाया है तो हम सभी मिल कर के शिव जयंती का स्मराएंगे। धन्यवाद दादी जी। हम सभी को महसूस हो रहा होगा कि क्यों ये आत्माएं इतनी स्पेशल है, क्योंकि इनके दिल में बाबा के लिए अथाह प्यार समाया हुआ है। भले वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए, लेकिन अपने एक एक चेहरे के हाव भाव से और अपनी उपस्थिति से हम बाबा के लिए इनका प्यार महसूस कर सकते हैं। थैंक यू दादी, आप आए और हमें आशीर्वचन दिया। अब हम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी से अनुरोध करते हैं कि हॉस्पिटल को भर भर के आशीर्वाद दे, ताकि सभी भाई बहनें और उमंग उत्साह से सेवाएं बढ़ाते रहे। ओम शांति, ओम शांति। बोलो सभी प्रेम से ओम शांति। ये ओम शांति महावाक्य जो बाबा ने हम सबको याद दिलाया है कि यह शब्द बोलने से वह याद, वह स्मृति जागृत रहेंगी, मैं कौन और किसकी संतान और बाप के द्वारा हमें क्या प्राप्ति हुई है, जिस शांति के लिए दुनिया चाहती है, चाहते हुए भी वो शांति का पूरा अनुभव नहीं कर पाती है, लेकिन बाप ने हम बच्चों को वो शिक्षा दी है, जिस शिक्षा को याद करने से अथवा उस शिक्षा को जैसे जैसे जीवन में धारण करते जा रहे हैं तो सचमुच पता चलता है कि वास्तव में मैं कौन और किसकी संतान। बल दुनिया मानती है कि हम भगवान की संतान है, भगवान है, परंतु कौन, कहाँ, कब, कैसे, इसका यथार्थ अर्थ तो कोई नहीं जानते हैं। लेकिन हम वो महान भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हों को बाप ने स्वयं अपना परिचय गुप्त होते भी फिर भी हम बच्चों को अपना यथारथ परिचय देकर और वो यथारथ नॉलेज जिसके द्वारा हम स्वयं को सदा ऐसा ही बना दें जो कभी भी हमारे अंदर कोई भी ऐसा न किसके प्रति दोष दृष्टि, न कोई अपने में ऐसा विकार जागृत हो जिससे हम फिर से इस चक्कर में दुखी होते, सृष्टि के चक्कर में अथवा जन्म मरण के चक्कर में दुखी होते रहें। बाप ने हमें वो पहचान दी है जिससे हम अपने आदि और अनादि स्वरूप को भी पहचान लें और उस पहचान से यह सृष्टि का चक्कर कैसे चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा, उसके अंदर परमात्मा पिता ने हम बच्चों को वो पाठ दिया है जिससे फिर से इसका जब परिवर्तन होता है, परिवर्तन के समय जब लोगों को ये नॉलेज देते हैं तो उनको भी महसूस होता है कि इस नॉलेज की बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए हम सदा
ऐसे बाप को याद करते हुए अर्थात बाप की याद हमारे अंदर ऐसी नेचुरल बन जाए जिससे बाप के जैसे गुण हमारे अंदर जागृत रहे और हमारे से औरों को भी बाप का परिचय और वो शिक्षाएँ मिलती रहे जिससे यह सृष्टि अब बदलने वाली है और उसके लिए हमें भी अपने को ऐसा ही कंप्लीट तैयार रहना है सृष्टि बदल जाए और हम आराम से अर्थात निश्चिंत हो करके शरीर को छोड़ दें और अपनी उसी शांति धाम फिर से स्वर्ग के सुखधाम में पहुंच जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये शिवरात्रि का दिन अर्थात आप सबका संगठन देख फिर याद आता है कि बाप ने कैसे ये सारा अपना संगठन इकट्ठा हो गया है और उनके अंदर वही नॉलेज जो किसको भी नहीं थी वो देखकर और फिर से अपने आगे के जन्मों को फिर से ऐसा बनाए जो न कभी दुखी हो न किसके किसको दुख दें न किससे दुख लें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के शिवरात्रि की सबको मुबारक है मुबारक है मुबारक। धन्यवाद दादी जी। अब सुदेश बहन वेदांती बहन और बनारसी भाई कृपया एक एक मिनट हमें आपकी शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स दें। ओम शांति। Congratulations as many as Shivratri means dispelling the darkness with many thousands of rays coming, emerging from the sun. So we are celebrating Baba's Day, but in fact from the heart is also singing the praise of what Shiva has taught here through this hospital. I remember the time Baba had given 10 benefits of this hospital. And what I am appreciating that nowhere in the world could be such a hospital where the soul and the body both are healed. Because it is the service which is done, patients, doctors, directors of the hospital, not with the feeling of a service place, but in fact it is seva. It's a family feeling, and with that dedication, it means godly qualities, remover of the sorrow and bestower of happiness. Souls come, receive medicine as well as blessings, and as well have relationship with the Supreme Soul to become ever healthy, ever wealthy, ever happy. Congratulations, congratulations, congratulations for dedication. Om Shanti. Om Shanti. मेरे साथ बैठे हुए सभी दादी और दादियों को मैं ये कहूँगी कि इन लोगों की शुभ भावनाएं हम सबके साथ और मैं अभी हॉस्पिटल के सारे ग्रुप के साथ मिल जाती हूँ। तो जैसे हॉस्पिटल का सारा जो स्टाफ है वो सभी स्टाफ ने मिलकर इतना प्यार से आज का ये समारोह रखा है तो शिवरात्रि की भी बधाई। और ये हमारी हॉस्पिटल सारे विश्व में एवर हेल्दी वेल्दी सबको बनाने वाली हॉस्पिटल बन जाए यही मेरी शुभ भावना है। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव जयंती के पर्व पर आप सबको हॉस्पिटल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कोटि कोटि अभिनंदन हो। ऐसा दुनिया में कहाँ भी हॉस्पिटल नहीं है जी इतने देश विदेश के सब भाई बहने मिलकर के शिव जयंती मनाए। एक अनूठा यही ग्लोबल हॉस्पिटल है।
तो हम अपने मैनेजिंग ट्रस्टी निर्भय भाई, प्रताप भाई, सभी डॉक्टर्स को दिल से बधाई देते हैं, मुबारक देते हैं। ओम शांति। धन्यवाद सभी को। जन्मदिन तुमको बधाई देते हैं बहने भाई, जन्मदिन तुमको बधाई देते हैं बहने भाई, जगमग ये ज्योति जगाए, खुशियों के दीप जलाए, जगमग ये ज्योति जगाए, खुशियों का प्यार इतना पाए, बजती है शहनाई। जन्मदिन तुमको बधाई देते हैं बहने भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार आए खुशियाँ ले जन्मदिन ये प्यारे, हर साल मनाए आनंद उत्सव, सबके तुम हो दुलारे। जन्मदिन तुमको बधाई देते हैं बहने भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुस्कान यूं ही खिलती रहे, राहें रोशन होती रहे, दुआएं यूं ही मिलती रहे, दीनी मुबारक महकी फिजाए, फूल है बरसाए। जन्मदिन तुमको बधाई देते हैं बहने भाई, हैप्पी बर्थडे
birthday. It's a half, half, happy birthday. A half, happy birthday to you. It's a happy birthday. It's a happy birthday.